हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि जो मेरा पहले मुंबई में जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, क्यों हुआ था, और मतलब यूएस के वीज़ा में क्यों रिजेक्शन होता है उसके बारे में। और मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरे को क्या क्या क्वेश्चन पूछा था और मेरे को क्यों लगा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो बेसिकली जो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहले बता दूं मैं जो वीज़ा अप्लाई किया था वो था J1 वीज़ा और मेरा अप्रूव हुआ था दिल्ली से। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें मेरा कैसा इंटरव्यू हुआ था, क्या क्या पूछा था। बट उसके बाद में जो उसके पहले जो मुंबई में मेरा इंटरव्यू हुआ था वो रिजेक्ट हुआ था, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो वो इंटरव्यू में मेरे को बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहले मेरे को पूछा कि वेयर यू विल बी गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट। तो मैंने उन लोगों को बताया कि यहाँ पे जाऊँगा, ऐसा ऐसा वीज़ा है। फिर मेरे को दूसरा सवाल पूछा कि वाई यूनाइटेड स्टेट, तो मैंने उसका भी आंसर दिया। तो थर्ड वाला सवाल मेरे को पूछा कि वाई यू वॉन्ट टू गो यूनाइटेड स्टेट फॉर सेकेंड टाइम। तो मैं बेसिकली मेरा पहले एक बार वीज़ा लग गया था 2019 पे, तो 2019 पे भी मैं J1 वीज़ा पे US आया था। तो इसीलिए मेरे को वो क्वेश्चन पूछा, उसमें मेरे को मेरा इस टाइम का जो ट्रेनिंग प्लान है वो अच्छे से इलाबोरेट करना चाहिए था। पर मैं पिछला वाला थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया कि मैं इस टाइम पे गया था, ये हुआ था, COVID-19 के वजह से ठीक से सीख नहीं पाया। तो ये सब में मैं ज़्यादा वेस्ट कर दिया आंसर की, बल्कि मेरे को बताना चाहिए था कि इस टाइम पे जब मैं जा रहा हूँ मेरा क्या ट्रेनिंग है, क्या एडवांस ट्रेनिंग है, क्या है, क्या सीखूँगा क्या नहीं। तो मैं वो सब डिस्कस नहीं किया उनके साथ। तो उनको लगा कि मेरा पर्पस सही नहीं है, तो तभी उस टाइम मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। तो मेरा उस टाइम वीज़ा नहीं लगा था, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मार्च 2023 में मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। फिर मेरा जून के फर्स्ट वीक में मेरा वीज़ा इंटरव्यू था दिल्ली पे, वो वाला मेरा अप्रूव हो गया था। तो यही था मेरा मुंबई का वीज़ा का एक्सपीरियंस। पर पहला टाइम जब मैं 2019 पे वीज़ा इंटरव्यू दिया था, तब मैं मुंबई से ही दिया था और उस टाइम मेरा अप्रूव हुआ था। तो उस टाइम मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ था, पर इस टाइम मेरा रिजेक्ट हो गया। तो हाँ, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही था। फिर से नया एक वीडियो में आप लोगों का कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे लोग काफ़ी सारा मतलब बहुत ही फैमिलियर होता है, जैसे कि ये गए तो मेरे को हाथ दिखा के गए, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।